हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उज़ैर जावेद एंड यू आर वाचिंग लेट्स टॉक विद उज़ैर जावेद। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज आपको एक ऐसे पावरफुल एथलीट से मिलवाने वाले हैं जो कि हैं तो 40 इयर्स के, लेकिन उनका बहुत लंबा एक कैरियर है और स्टिल अभी भी वो चैम्पियनशिप्स खेल रहे हैं और अभी भी उनकी फ़िज़िक ऐसे है कि जैसे 25 से 30 साल के नौजवान हैं। अगर मैं उनके टाइटल्स गिनवाने लगूं कि जो उन्होंने विन किए हैं, चैम्पियनशिप्स तो उन्होंने बहुत खेली हैं, लेकिन अगर मैं टाइटल्स की बात करूं तो स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, डिवीजन फैसलाबाद, पंजाब और पाकिस्तान, नेशनल गेम, ये वो हैं जिनमें इन्होंने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जो मेडल्स लिए हैं। और सबसे मेन साउथ एशियन गेम्स में 2016-17 में साउथ एशियन गेम्स के ये ब्रॉन्ज मेडल रहे हैं। और अभी रिसेंटली वो ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल में नेशनल गेम में वाडा की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल होके आए हैं और ये तकरीबन 14 ईयर से वाडा में जॉब भी कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की स्टोरी, और आज का उनकी बहुत सारी लाइफ स्टोरी में उनके अप्स एंड डाउन भी हैं वो जानते हैं। मेरे से तो इंतज़ार नहीं हो रहा, चलिए शुरू करते हैं, लेट्स टॉक। जी गाइस, अब हम अदनान भाई के पास आए हैं। सबसे पहले तो मैं इनसे पूछूंगा कि इन्होंने किस टाइम स्टार्ट किया, किस एज में इन्होंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की, और इन्होंने एज अ वाडा में एज अ बॉडी बिल्डर जॉब कैसे हुई, और कितने टाइम से वो जॉब कर रहे हैं, ये सारी डिटेल आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ये ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप की ये किससे इंस्पायर होके आप आए और कितना टाइम हो गया आपको बॉडी बिल्डिंग करते हुए? जी इंस्पायर तो किसी से नहीं हुआ था, बस वैसे ही था कि जी कोई बॉडी शॉडी बननी चाहिए, अपना ही माइंड में था। और ये है कि मुझे टाइम तो हो गया तकरीबन 17-18 साल की मैंने एज में शुरू की थी, तो अब तकरीबन 20-22 साल हो गए मुझे बॉडी बिल्डिंग करते। तो प्रोफेशनल में मैं आया हूँ तकरीबन 2010 के बाद से मैं प्रोफेशनल में आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब बचपन में कोई किसी को देखा या कोई दोस्त या कोई ऐसा? आम रूटीन में ऐसे था कि वो बड़े भाई करते थे साथ ही पास ना, एक छोटा सा जिम था, घर में बनाया हुआ था उन्होंने, तो वहाँ पे मैं एक दो दफ़ा गया तो उनके जो दोस्त हैं ना वो कहते तुम नहीं कर सकते, तुम जाओ घर। मैं कह जी ठीक है जी, मैं चला जाता हूँ। तो ऐसे ही मैं खुद ही से दोस्तों के साथ जाता रहा हूँ जिम। मैंने कहा यार मैंने भी करनी है, उन्होंने कहा ऐसे करो ऐसे करो, आहिस्ता आहिस्ता सब छोड़ के मैं करता रहा हूँ। एक टाइम आया कि वो जिन्होंने मुझे कहा था आप नहीं कर सकते, वो कहते यार क्या बात है, तुम तो सबसे आगे चले गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब यही सबसे मेन चीज़ सीखने वाली बात है कि डेडिकेशन, कि कोई भी चीज़ है अगर आपने स्टार्ट की है उसको कम्प्लीट ज़रूर करें। अगर आपको कोई बातें सुनने को मिलती हैं या कोई भी चीज़ अगर आपके रुकावट आती है उसको क्लियर करें और करके दिखाएँ कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। और 17-18 साल की एज में कोई इतना बॉडी वेट भी नहीं होता? नहीं नहीं, मेरा उस टाइम बहुत ज़्यादा, मैं मैक्सिमम मेरा वेट होता था 52 kg। 52 kg में मैंने फर्स्ट कंपटीशन खेला था जश्न आज़ादी चैंपियन, उसमें मेरी थर्ड पोजीशन आई थी। उसमें जो लड़का उस टाइम, उससे पिछले टाइम में जो हुआ था विनर, वो मुझसे उस टाइम हार गया। मैंने कहा यार थर्ड पोजीशन क्या होती है, ये तो फिर नेक्स्ट कभी आएंगे ना तो फिर अच्छा हो के आएंगे। उस कंपटीशन ने आपको काफ़ी कहते हैं हौसला? हाँ जी, उस कंपटीशन में मैं बहुत नर्वस भी हुआ था क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मेरा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन बस अपना जुनून था कि यार मैंने खेलना है। उसके बाद फिर वो जुनून बढ़ता ही है। अच्छा, वो मुझे बताया कि अपना मतलब आपने खुद से ऐसे ही स्टार्ट किया या कोई आपका ट्रेनर थे या कोई आपको गाइडलाइन देने वाला था कोई प्रॉपर? जी स्टार्ट तो मैंने खुद से ही किया था, स्टार्टिंग में तो नहीं था कोई भी ऐसा, बस जैसे जो दोस्त जाते हैं जिम में उनसे पूछ लिया, उन्होंने कहा ऐसे कर लो ऐसे कर लो। लेकिन उसके बाद मेरे उस्ताद हैं मलक अब्दुल गफार साहब, वो 1994 में जूनियर मिस्टर पाकिस्तान हुए थे, तो उन्होंने फिर मुझे गाइडलाइन दी, उन्होंने फिर मुझे सारा ट्रेन किया, उसी लिहाज से फिर मैं आगे चलता रहा, आज जिस मुकाम पर बैठा हुआ हूँ ये सब उनकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, उस्तादों की जो कदर करता है वो किसी मुकाम पर पहुँचता है। तो इसमें मुझे एक चीज़ बताएं कि आपने, हम डायरेक्ट थोड़ा सा आगे आते हैं आपकी जॉब पे, कि वो किस एज में आपकी जॉब हुई और वो कौन सा टाइम था कि किस चैम्पियनशिप के बाद वाडा ने आपको हायर किया? जी मैं पंजाब गोल्ड हुआ था, पंजाब की मैंने तैयारी की थी,
तो मेरे उस्ताद कह रहे थे कि यार आप पंजाब का ना कंपटीशन खेल के आओ। तो मैंने कहा जी उस्ताद जी मैंने क्या करना जाके, कहते यार तुम्हारी फिजीक अच्छी है तुम जाओ। उन्होंने मुझे तैयारी करवाई, मैं रावलपिंडी में हुआ था पंजाब का कंपटीशन, उसमें मैं गोल्ड हुआ था। जो उस टाइम में पंजाब में लाहौर की क्लास विनर था ना, वो भी मुझसे हार गया। तो उसके बाद मेरा जो है ना दिलचस्पी बढ़ती गई, इन्होंने मुझे ट्रेन किया। उसके बाद मैं मिस्टर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन हुआ, उसके बाद मैं मिस्टर फैसलाबाद डिवीज़न चैम्पियन हुआ। ये सब मेरे उस्ताद जी ने मुझे तैयारी करवाई थी, उस हिसाब से मैं चलता रहा। फिर उन्होंने कहा यार तुम ना ऐसा है कि तुम्हें वापडा में ना करवाते हैं, आप वापडा में अप्लाई करो। मैं कहा उस्ताद जी मैंने क्या करना जाकर, वहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, मैंने क्या करनी पड़ा। कहते यार तुम इतनी अच्छी फिजीक है, तुम लेके जाओ। तो मेरे उस्ताद ने मुझे भेजा कि जी आप इधर जाएं। उन्होंने मेरे ट्रायल दिए, उन्होंने कहा जी कि ये लड़का है हमारा, ये डिवीज़न मिस्टर फैसलाबाद हुआ है, आप इसको रखें, इंशाल्लाह आपको टीम में ना आपका अच्छी कारकर्दगी करेगा। उन्होंने एज ए चांस पे मुझे रखा कि जी ठीक है हमारा कंपटीशन आ रहा है, इनको देखते हैं जी क्या करते हैं। और अल्लाह ताला की रहमत हुई कि मैं पूरी टीम में सबसे अच्छा परफॉर्म मैंने किया उधर। तो उस दिन बाद बस मेरी वापडा में जॉब होगी। तो ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है और मेरे उस्ताद साहब की मेहरबानी है जिन्होंने मुझे इस फील्ड में चलाया आगे। इसमें आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी। सबसे पहली बात कि अगर आपको अच्छा उस्ताद मिल जाता है तो वो आपकी ज़िंदगी भी बना सकता है आगे। अगर इनको ये अभी जिस पॉइंट पे खड़े हैं, ये जितने चैम्पियनशिप खेल चुके हैं वापडा की तरफ से, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके उस्ताद की एक गाइडलाइन थी, इन्होंने उनकी सुनी। सब उस्ताद एक जैसे नहीं होते, इसलिए अच्छा उस्ताद मिलना और काबिल उस्ताद मिलना ये बहुत बहुत किस्मत वाले बंदों को मिलता है। कि आगे भी अक्सर लोग, मैंने कुछ लोगों से आगे भी इंटरव्यूज़ किए, पहले भी किए हैं, या कुछ लोगों से बातें सुनी है, वो कहते हैं यार इसमें कोई स्कोप नहीं है, बस जो है ना चैम्पियनशिप खेली उसके बाद ख़त्म। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपके पास अच्छी गाइडलाइन है तो अच्छा उस्ताद है जो आपको प्रमोट करे आगे, तो वो आप कहीं भी जा सकते हैं। नहीं, स्कोप तो है इसमें बहुत ज़्यादा है, ये तो नहीं है कि नहीं है। मेरे उस्ताद साहब ने माशाल्लाह मुझे अपने बेटों की तरह रखा है, उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह ही रखा है। उन्होंने मुझे हर तरह की जो सहूलत है उन्होंने दी है, वो दूसरे उस्तादों की तरह उन्होंने आज तक नहीं कभी गाइड किया, ना आज तक कभी उन्होंने मुझसे कोई ऐसा कहा कि मुझे मैं उनको कुछ पे करूँ, बल्कि उन्होंने खुद से मेरे ऊपर लगाए हैं और मुझे उन्होंने सारा कुछ करके दिया है। ये आज इस मुकाम पे उनकी वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने आज तक मुझसे किसी कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की। अगर मैं उनके अपने बच्चों में और मुझ में कभी फ़र्क नहीं हुआ, उनको शायद किसी चीज़ से मिस कर देते, लेकिन मुझे नहीं कभी उन्होंने किया। तो इसमें है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ये हमारे लोग जो है ना वो बस सोचते हैं, वो छोटे मिडिल क्लास से सोच में रखते हैं ना, क्योंकि एक छोटा सा चैम्पियनशिप खेल लेते हैं मिस्टर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की, उसमें वो क्लास गोल्ड हो गए, उसके बाद वो साल बन जाते हैं, वो आगे चलने की कोशिश ही नहीं करते कि जी हम आगे जाएं। एक मिस्टर फैसलाबाद क्लास में गोल्ड होना कोई बड़ी बात नहीं है, टाइटल तो हो ना कम से कम, कम से कम आपके मिस्टर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट हो, टाइटल तो हो, क्लास गोल्ड तो कोई नहीं। उसके बाद वो उस्ताद बन जाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं जी इसमें कुछ भी नहीं बचा जी, फिर वो लोगों को करवाते हैं, उनसे बस पैसे बटोरते हैं, उनको मुख्तलिफ चीज़ें बताते हैं जो गलत होती हैं, बस अपने पैसे बनाते हैं। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट की जॉब है ये सभी देते हैं, पाकिस्तान रेलवे है, वापडा है, आर्मी है, ये सब प्लेयर को इतना सपोर्ट करते हैं, ये हमारी गवर्नमेंट की वजह से ये सारा कुछ कि हमें मिल रहा है। आगे हम इसको इसके बिना पे अब मेहनत कोई करता नहीं है ना, और कह देता है कि जी इसमें है ही कुछ नहीं। इतने बड़े हमारे पाकिस्तान के हैं चैम्पियन जो बाहर की कंट्री में जाके प्रो कार्ड लेके बैठे हुए हैं, क्यों नहीं है, उनको भी तो मिल रहा है। हम भी मेहनत करें, आगे जाएँ, जाके लें सब कुछ, मेहनत करें ना, तो किसी को कहें जी इसमें है ही कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अक्सर कहते हैं जी सिफारिश चलती है बहुत ज़्यादा उसका, कि जी मतलब एक पॉइंट आता है आप उससे आगे सिफारिश चलती है, आप अपनी जितनी मर्जी फिजीक है जो मर्जी कर लें, आपको एक पॉइंट पे आके रुकना पड़ता है। जी सिफारिश जो है ना वो चलती है, ठीक है, लेकिन ये है कि आप में आप खुद भी इतना काबिलियत होनी चाहिए कि आपको अगर कोई सिफारिश किसी की करना भी चाहे तो आप इतने स्ट्रांग हो के आपकी कोई करे ही ना, उस आप ऑटोमेटिकली उसको जीतो। अगर सिफारिश होती भी होगी तो सामने नज़र तो आता ही है ना, दुनिया में तो आप फेमस होते हो ना, लोगों में तो फेमस होते हैं ना, वो तो देखते हैं ना कि यार ये कैसा है कैसा नहीं है। सिफारिश की बात करते हैं कि जी मैं मिस्टर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में मैं एक क्लास एक ना एक पॉइंट से मैं हार रहा था, मेरे उस्ताद उस कंपटीशन में जजिंग पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी आप हारते हो। अगर सिफारिश की बात हुई वो मुझे विन भी करवा सकते, उनके हाथ में तो कलम थी, उन्होंने कहा नहीं यार ये ज्यादती है, जो विनर है वो विनर है। ठीक 25 दिन बाद उसी लड़के को मैंने डिवीज़न में हरवाया, और ये नहीं कि 19-20 में, 20-50 के फ़र्क से उसको हरवाया। तब वो लोग कहते थे लो जी इन्होंने अपना लड़का हरवा लिया, अगर वो जितवाना होता तो ये फैसलाबाद में भी तो जितवा सकते थे।
बिल्कुल, वो कहते हैं ना जितने मुंह उतनी बातें, बस ये है कि बहुत ज्यादा जो है ना इनसे हम सीखने की बातें ये मिली हैं कि मेन सबसे पहले तो मेहनत ना छोड़ें। मसला ये है ना कि हमारे जो बाज टीचर हैं वो लड़कों को गाइड ही ऐसा कर देते हैं कि ये आप ही चैंपियन हो, उसमें कुछ हो या ना हो, उसे पैसे खाए होते जी, आप ही चैंपियन हो। हमारे उस्ताद ने कभी ये नहीं किया, वो कहते हैं यार ऐसा करके जाओ कि अगर कोई करना भी चाहे ना कि ये गलत है, ये इसको नहीं जीतने देना, तो आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि देखने वाला कर ही ना सके आप। बिल्कुल जी बिल्कुल, सबसे मेन चीज़ है जी मेहनत। मेहनत अगर आप करेंगे आप कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचेंगे, क्योंकि आपकी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती, लेकिन उसको करना जिस एक तरीके से, मेहनत तो गधा भी करता है लेकिन उसको इस तरीके से करनी है कि वो नज़र आए, लोगों को पता लगे, अगर कोई आपको नेगेटिव वे में या कोई आपको डिग्रेड कर भी रहा है तो लोगों को नज़र आए कि नहीं यार ये इस काबिल है, ये इतना है इसके अंदर कि यार इसने मेहनत की है। तो ये आज जिस पॉइंट पे बैठे हैं, इनको माशाल्लाह 14 साल हो गए हैं वापदा में जॉब करते हुए, और माशाल्लाह बहुत अच्छे स्केल में, और सिर्फ सिर्फ ये स्पोर्ट्स बेस में है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है इनका, कोई कहीं नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ इसने इन्होंने अपना स्पोर्ट्स खेलना है। ये काफ़ी जगहों पर गए हैं, लेट मेन जो इनका साउथ एशियन चैम्पियन जो है ब्रॉन्ज मेडल आपने जीता था, वो कैसी फीलिंग थी आपकी? ये फीलिंग तो जो भी जितने भी कंपटीशन में उनमें वो फीलिंग जो आती है ना, वो जब विनर होता है बंदा तो फिर तो खुशी के आंसू ही आते हैं, बंदा इतनी मेहनत की होती है तो जब हम विन होते हैं तो फिर तो सब कुछ ही भूल जाता है। ये इतनी टफ गेम है ना हमारी कि बंदा देखता है ना वो कहता है कि यार क्या है। मैं जब फर्स्ट कंपटीशन खेला था ना तो मेरी वालदा कहती है तुमने अपनी शक्ल देखी है कैसी हुई है, छोड़ दो ये कोई काम है करने वाला, ये नहीं करो। मैंने कहा जी मुझे करने दें आप। लेकिन आज अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी हुई है कि मेरे घर वाले मुझे पूछते नहीं कि यार तुम कितनी देर जिम में जा रहे हो, कब आ रहे हो, कब नहीं आ रहे, कोई नहीं पूछता, कहते यार ये इसको यही करना है, इसको यही करने दो। देखें माशाल्लाह इनकी सादगी देखें, और ये आजिज़ी है कि अभी भी ये उस्ताद हैं और कितने शागिर्द हैं इनके अपने, लेकिन अभी भी ये अपने आप को शागिर्द ही समझते हैं और उसी तरीके से अपने उस्ताद का एहतराम करते हैं। यही चीज़ें अल्लाह पाक ने इनको नवाजा है, और हर कोई जो भी करता है आगे अपने उस्ताद की, अपने बड़ों की इज्जत करके, आप जिस फील्ड में भी हैं हर किसी की रिस्पेक्ट करके आए। बहुत मज़ा आया, बहुत शुक्रिया अदनान भाई, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं प्रैक्टिकली भी और फील्ड वाइज भी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि अगर आप मेहनत करें तो आप किसी भी जगह अपनी जॉब ले सकते हैं। ऐसे ही है जी, मेहनत करें किसी भी काम में हो, किसी भी फील्ड में हो, कारोबार करना हो या कोई स्पोर्ट्स हो, बॉडी बिल्डिंग नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स हो, आप मेहनत करोगे आपको उसका अजर मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि आप उसको ना करो, ये नहीं कभी भी हो सकता, मेहनत करोगे तो कामयाबी मिलती है। बाकी चीज़ें बाद में आती हैं कि किस तरीके से करनी है वो आप पे है, सिर्फ मेहनत का बताया कि जब आप सच्चे दिल से करोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा, आप वो किस वे में करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरह भी है वो आपके ऊपर है। हमें फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा सेम नेम से, हमारा यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एथलीट्स और ज़्यादा मज़े की स्टोरीज हैं उनकी, और कैसे उन्होंने अपनी स्ट्रगल की है, और जैसे ही इन्होंने अपने बताया कि कैसे आज ये एक मुकाम पे हैं, इस तरह के बहुत से लोग हैं हम आपको मिलवाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।